दोस्तों आईपीएल 2019 से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल का बेल आइकन भी ध्यान से दबाइए। दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को एक शानदार बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। दोस्तों आईपीएल 2019 के 35वें मुकाबले में विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी और अंत में मोइन अली की बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत आरसीबी ने आखिरकार केकेआर को यह मुकाबला हरा दिया। आपको बता दें पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने 20 ओवरों में कुल 213 रन बनाए, जिसके जवाब में अंत में केकेआर ने भी काफी तूफानी बल्लेबाजी की, लेकिन आखिरकार वो 10 रनों से ये मैच हार गई। 214 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उनके दोनों ओपनर सुनील नारायण और क्रिस लेन जल्द ही आउट हो गए। इसके बाद दोस्तों शुभमन गिल और रॉबिन उथप्पा भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और वो भी जल्द ही पवेलियन लौट गए। फिर दोस्तों आपको बता दें कि नितीश राणा और केकेआर के विस्फोटक ऑलराउंडर आंद्रे रसेल के बीच एक बहुत ही शानदार साझेदारी हुई और एक वक्त तो ऐसा लगने लगा था कि केकेआर ये मैच बहुत ही आसानी से जीत जाएगा। जी हाँ, क्योंकि एक तरफ से आंद्रे रसेल छक्के पर छक्के बरसा रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ से नितीश राणा भी चौके छक्कों की बारिश कर रहे थे। आपको बता दें एक वक्त ऐसा आया जब केकेआर को जीत के लिए आखिरी ओवर में 24 रनों की जरूरत थी। आरसीबी की तरफ से आखिरी ओवर डालने आए मोइन अली और स्ट्राइक पर थे नितीश राणा और नॉन स्ट्राइक पर थे आंद्रे रसेल। आपको बता दें पहली गेंद पर कोई रन नहीं गया। इसके बाद अगली गेंद पर नितीश राणा ने एक रन लिया और अब क्रीज पर थे आंद्रे रसेल। अब जीत के लिए 4 गेंदों में 23 रन चाहिए थे और ओवर की तीसरी गेंद पर रसेल ने एक बड़ा छक्का लगाकर इस मैच को और भी रोमांचक बना दिया। अब जीत के लिए 3 गेंदों में 17 रन चाहिए थे, लेकिन फिर अगली ही गेंद मोइन अली ने डॉट गेंद निकाल दी और यहीं से पूरा मैच पलट गया। अब जीत के लिए 2 गेंदों में 17 रन चाहिए थे जो कि नामुमकिन थे। फिर अगली ही गेंद पर रसेल रन आउट हो गए और फिर आखिरी गेंद पर एक छक्का जरूर आया और आरसीबी ने इस मैच को 10 रनों से जीत लिया। दोस्तों इस मैच में आंद्रे रसेल ने मात्र 25 गेंदों में 65 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 2 चौके और 9 लंबे लंबे छक्के लगाए। इसके अलावा नितीश राणा भी 46 गेंदों में 85 रन बनाकर नॉट आउट रहे। दोस्तों वैसे आपको इस मैच में विराट कोहली की बल्लेबाजी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अभी इसे लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और आईपीएल 2019 से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल का बेल आइकन भी ध्यान से जरूर दबाइए, जिससे कि मैं जो भी नई वीडियोस डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहिए, बाय बाय।